जब देश और दुनिया की हालत बेहद नाजुक थी, अत्याचार, अन्याय, शोषण और दमन जोरों पर था, उस समय पहले तो पांचवें सिख गुरु साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी को अपनी शहादत देनी पड़ी। वही गुरु जिनकी बानी सुखमनी साहब आज भी बहुत प्रेम और श्रद्धा से बड़े पैमाने पर पढ़ी जाती है। फिर छठे सिख गुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी को तलवार उठानी पड़ी। इसके बाद धर्म की रक्षा के लिए नौवें सिख गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक दिल्ली में अपनी शहादत देनी पड़ी। इसके बाद दसवें सिख गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने तलवार उठाई। निहंग सिंह श्री गुरु गोविंद सिंह जी की लाडली फौज हैं। तब से लेकर अब तक वे इसी भावना से जीवन भर देश और दुनिया घूमते रहते हैं। जब भी पड़ाव डालते हैं वहां कहते हैं निहंग सिंहों की छावनी। ये सेना की तरह ही बात करते हैं, हर समय शस्त्र ही नजदीक रखते हैं। इनके घोड़े, इनके शस्त्र, शास्त्र और दिनचर्या आजकल मोहाली और चंडीगढ़ के बॉर्डर पर भी आसानी से देखे जा सकते हैं। जिस तरह पुलिस या सेना अपना फ्लैग मार्च निकालती है, उसी तरह निहंग भी मोहल्ला निकालते हैं घोड़ों और अपनी जीपों और अन्य गाड़ियों पर सवार होकर। गत दिनों YPS चौक के इलाके में चल रहे कौमी इंसाफ मोर्चा में से निहंग सिंहों ने अपना मोहल्ला गुरुद्वारा सुहाना साहब तक निकाला। करीब 2 घंटे तक का ये निहंग मार्च उनका शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। गुरुद्वारा साहिब में माथा टेक कर वापिस अपनी छावनी में लौट आए। इनका संदेश रहता है कि हम आपके साथ हैं, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये पंथ और संगत के हितों की रक्षा भी करते हैं। गौरतलब है कि निहंग सिंह कठिन से कठिन समय में भी पूरी तरह से सकारात्मक बने रहते हैं। रसोई का राशन पानी समाप्त हो जाए, लंगर तैयार ना हो सके तो मजे से कहते हैं कि लंगर मस्ताना हो गया। प्याज को राम लड्डू बोलकर मजा लेते हैं। चने खाकर गुजारा करना पड़े तो कहते हैं बादाम खा रहे हैं। दूध को समंदर बोलते हैं। कौमी इंसाफ मोर्चे में हर रोज कम से कम 2 क्विंटल दूध पहुंचता है रोजाना, जिसे उबाला जाता है और उसमें शुद्ध शक्कर डालकर संगत को पिलाया जाता है। कोई भी वहां जाकर इस दूध के भरे गिलास को पी सकता है जितना पी सके। रात की बचे या बासी रोटी खानी पड़े तो कहते हैं मिठे प्रसादे ले लो। किसी का देहांत हो जाए तो मौत जैसे उदास माहौल में भी करेंगे वह तो चढ़ाई कर गया। हर रोज गतके का खेल और मुकाबला इन्हें मार्शल आर्ट और स्वास्थ्य में पूरी तरह फिट रखता है। 2-2 घोड़ों पर सवारी कर लेते हैं, एक पांव एक घोड़े पर और दूसरा पांव दूसरे घोड़े पर। दोनों घोड़ों की लगाम मुंह में, हाथों में बर्चा और कृपाण लेकर युद्ध में ये लड़ना भी जानते हैं। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इहदा नाम असी तूफान रखिया होया गा। इह काले बकरे जलंधर दे विच पिंड आ, उत्थों दी संगत ने किसानी मोर्चे तों बाद सानूं अरदास कराया सी। इह ठीक है, मारवाड़ी नसल दा घोड़ा गा। ठीक है, इहदा नाम तूफान है। किन्नी उम्र है इहदी? इहदी 2.5 to 3 साल दे विच उम्र है जी। ठीक है जी। ते तुहाडा की नाम है? जस्सा सिंह। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।